आविष्कार रचन शास्त्री का आप देख रहे हैं युवा युग। दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। यह बात हम सभी के जीवन पर एक साथ और एक बराबर लागू होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बार बार बाबाओं द्वारा होने वाले बलात्कार की घटनाओं के बारे में जानने के बावजूद महिलाएं इनका शिकार नहीं होती। ढोंगी बाबाओं के हवस का शिकार होने से जुड़ा नया मामला हरियाणा के फतेहाबाद इलाके से आया है। आरोपों के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना कब्जे में रहने वाले 60 वर्षीय बाबा ने 120 महिलाओं के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि इस दौरान उनका एमएमएस क्लिप भी बनाया। बलात्कारी बाबा अमरपुरी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके पास से 120 एमएमएस क्लिप भी बरामद की है। हर वीडियो क्लिप में बाबा एक नई महिला के साथ बलात्कार करता नजर आता है। पुलिस के अनुसार इन्हीं क्लिप्स के आधार पर बाबा अमरपुरी ब्लैकमेल कर महिलाओं के साथ दोबारा बलात्कार करता था। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार पुलिस ने बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत में काम करने वाले बाबा अमरपुरी उर्फ बिल्लू बाबा को तब गिरफ्तार किया जब बाबा द्वारा मंदिर में आने वाली महिलाओं के साथ किए गए कुकर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अपने कारनामे के सारे वीडियो उसने अपने मोबाइल के कैमरे से खुद बनाए थे। इन वीडियो के जरिए वह महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ बार बार बलात्कार करता था। वह महिलाओं को धमकाते हुए कहता था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उनकी क्लिप जो उसने रिकॉर्ड की है वो साझा कर देगा। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद अमरपुरी पर बलात्कार शील भंग समेत आईपीएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आईटी एक्ट के जरिए भी बाबा पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि बाबा अमरपुरी के खिलाफ 9 महीने पहले भी आज से 9 महीने पहले भी बलात्कार का एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें वो जमानत पर रिहा था। वैसे अपने ऊपर लगे 120 बलात्कारों पर सफाई देते हुए बाबा ने कहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। उसका दावा है कि उसने पुलिस को प्रोटेक्शन मनी नहीं दी इसलिए उसे जानबूझकर इस तरह के केस फंसाकर बदनाम किया जा रहा है। अब सच क्या है झूठ क्या है तो भविष्य गर्म है, लेकिन फिलहाल जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनके बावजूद हमारे समाज की महिलाओं का इस तरह के ढोंगी बाबा के पास जाना ये दिखाता है कि हम जैसा मैंने शुरू में कहा इतिहास से कुछ भी नहीं सीख रहे। धन्यवाद।